मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनका नाम तय किया गया। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। वे संघ के करीबी माने जाते हैं। सीएम के अलावा मध्य प्रदेश सरकार में दो डिप्टी सीएम होंगे, इसमें जगदीश देवड़ा और राजन शुक्ला का नाम है। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ से विधायक हैं, राजन शुक्ला रीवा से विधायक हैं। संकल्प किया मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं। विधायक दल की बैठक में तय हुआ है कि नरेंद्र सिंह तोमर एमपी विधानसभा के स्पीकर होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक सुबह ही भोपाल पहुंचे। सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी कार्यालय के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। उनके सीएम बनने के ऐलान होते ही उज्जैन में घर पर खुशी का माहौल है। क्या खुशी हो रही है? खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। भगवान महाकाल बाबा ने फल दिया है, बहुत मेहनत का फल दिया है महाकाल बाबा ने। चुनाव से जीतते रही है और अभी तक जीते हैं वो। अच्छा, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी अभी का तो कोई वही ठिकाना ही नहीं है। भाजपा दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने नए मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना त्याग पत्र देने राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। नए सीएम मोहन यादव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। लंबी जद्दोजहद के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्णय हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को विधायक दल का नेता यानी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा और वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुन लिए गए। विजय सिंह बघेल, दैनिक भास्कर, भोपाल।